Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to start our new online course that is power electronics subject. Power electronics ke bare mein hum sab kuch discuss karenge is series mein. Sabse pehla topic jo hamara hoga that is introduction to power electronics, right? Isme hum baat karenge ki power electronics kya hota hai और इसको हम क्यों आज के टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल फील्ड में इसको कैसे यूज करते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज ऑल द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स और सर्किट्स इन द इंडस्ट्रियल फील्ड्स, राइट? सो ये बात डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या. जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पावर. अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी पता है. वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स व्हिच कंटेन्स डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है जी, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्टर्स, ये सारे जो बेसिक आईसी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी सर्किट में हम इसको माउंट करते हैं ताकि हम उस सर्किट को कंट्रोल, हम किसी भी अप्लायंस को कंट्रोल कर सकें. इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इज मेंट फॉर द कंट्रोल, ठीक है, ऑफ द गैजेट्स. अब किसी भी सर्किट को या डिवाइस को हमने कंट्रोल अगर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की, हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है. बेसिक कंपोनेंट्स आई हैव डिस्कस नाउ, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, दे एक्ट एज अ स्विचेस, ठीक है. बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस की बारे में इसमें बात करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे जो कि स्पेशली मेंट फॉर द कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पावर. अब हमें पता है कि अगर मैं डायोड या ट्रांजिस्टर को किसी भी हाई पावर में यूज करूंगा तो वो बर्न आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी डाटा शीट में एक लिमिट लिमिट होती है कि मैक्सिमम वोल्टेज हम कितनी इसको विदस्टैंड करवा सकते हैं या मैक्सिमम करंट कैपेबिलिटी क्या है. तो वी नो दैट कि उसकी करंट कैपेबिलिटी इज वेरी इन मिली एम्पियर, राइट? सो अगर कुछ ऐसे डिवाइसेज जैसे कि पावर स्टेशन में हम कोई पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं एसी टू डीसी, देन डीसी टू डीसी, या एसी टू हायर एसी और लोअर एसी स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वी आर डीलिंग विद द हाई पावर. और उस हाई पावर को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं हम, तो वी कांट यूज दैट डायोड्स, ट्रांजिस्टर, वी हैव टू यूज सम स्पेशल कंपोनेंट्स विच आर नोन एज सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच आर नोन एज सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, right? So that the deal with that components to control and conversion of high electric power is known as power electronics. ठीक है, हम power electronics को उसी position में use करेंगे जैसे industries में बहुत सारी ऐसी applications होती हैं जो कि high power पे काम कर रही हैं, और high power को control करना भी जरूरी है, ठीक है. हमने हर gadget को control करना है ताकि automation कर सके, तो उसके लिए हम normal components use नहीं कर सकते, we have to use that power electronic devices. राइट, सो वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसकी इम्पोर्टेंस आज के टाइम में इन द काइंड ऑफ बिगर इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी मोटर्स लगी हैं, क्रेन्स लगी हैं, ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट्स लगी हैं, वहाँ पे हम इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की हेल्प से ही सारा काम जो है वो कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो. आगे चलते हैं. The control of electric power with power electronic devices has become increasingly important over last two decades. 20 सालों में power electronic devices की जो importance है to control the electric power that has grown, ठीक है, exponentially, वो बहुत बढ़ चुकी है, और आज के time में ये बहुत सारी applications में use हो रही है. It is the technology associated with efficient conversion, control and conditioning of electric power from its available input into desired electrical output form. अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे ये इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, कंट्रोल कर रहे हैं ये डिवाइसेस, या उनको कंडीशनिंग कर रहे हैं, मतलब हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उतनी डिजायर्ड आउटपुट हम इजिली अवेलेबल कर सकते हैं इन दिस आउटपुट साइड,
ठीक है, तो वो विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में और क्या है? बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट एज द स्विचेस लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, बट दे आर यूज्ड इन वेरी हाई पावर डिवाइसेस और सर्किट्स। अब ये एक इसका बेस है कि है तो ये जो सारे डिवाइसेस है ना, दे एक्ट लाइक अ स्विचेस। ठीक है, इसमें हम वो डिवाइस डिवाइस यूज करेंगे जो स्विचेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट स्विचेस तो डायोड और ट्रांजिस्टर भी होते हैं, बट दे कांट बी यूज विद द हाई पावर डिवाइसेस। ठीक है, हाई सर्किट पे वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि हाई पावर और सर्किट्स में हम यूज कर सकते हैं एज अ स्विचेस। ठीक है, जैसे कि पावर स्टेशन हो गया, पावर स्टेशन से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिक पावर को, तो उसमें वो इलेक्ट्रिकल पावर को जो झेलने वाले डिवाइसेज होंगे वो दैट इज इन द मेगावाट, ठीक है, दैट इज इन द किलो वाट पावर। तो उसमें जो डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इट हैज द एप्लीकेशंस दैट कवर्स द होल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम विद द पावर रेंज ऑफ दीज एप्लीकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ फ्यू वोल्ट एम्पियर वाट्स टू सेवरल मेगा वोल्ट एम्पियर और मेगा वाट्स। अब बेसिकली वो कह रहे हैं कि इसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस बढ़ चुकी हैं कि ये होल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को कवर कर रही है। मतलब जहां जहां भी इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, हाई पावर सिस्टम यूज हो रहे हैं वहां पे इनकी एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं। ठीक है, और ये बहुत कम वाट वाले डिवाइसेस या सर्किट से मेगा वाट वाले डिवाइसेस के बीच में ये कंट्रोल, कंडीशनिंग और कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, काम इनका यही है टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म, या टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, टू कंडीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और सिग्नल्स, राइट। तो काम वही है बट हाई पावर के, हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज करेंगे, राइट। आगे, अब हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन वर्ड्स जो है वो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज पावर। वी नो दैट पावर क्या होता है। जब कहीं भी पावर स्टेशन से हम पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि एसी सप्लाई जनरेट होती है इन द पावर प्लांट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रॉम द फ्यूल एनर्जी, फ्रॉम द वाटर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्टीम पावर प्लांट भी कह सकते हैं जिसको हम। तो सारी पावर जो है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्रीज चल सके, हमारे घरों में रोशनी आ सके। ठीक है, कोई भी ऐसा आज का टाइम में ऐसे जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत ना पड़ती हो। ठीक है, इफ वी हैव द पावर वी कैन यूज द गैजेट्स, वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, कार्स चलाने के लिए हमें पावर चाहिए, वो इलेक्ट्रिक कार्स भी आने वाली हैं आजकल। ठीक है, घरों में लाइट्स चाहिए तो पावर चाहिए, इंडस्ट्रीज चलानी है, कोई मशीन चलानी है तो पावर चाहिए। ठीक है, किचन में हमने कोई मिक्सर ग्राइंडर या कोई भी ऐसा गैजेट चलाना है, कंज्यूमर गुड्स चलाने, तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो पावर डील्स विद एवरीथिंग। ठीक है, अब पावर्स में क्या क्या होता है, दे कंटेन्स द रोटेटिंग एंड स्टैटिक इक्विपमेंट। क्यों यूज करते हैं, टू जनरेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूट और यूटिलाइजेशन ऑफ वास्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पावर वर्ड है वो इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इट डील्स विद द पावर। ठीक है, जो ये डिवाइसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, टू कंट्रोल। इसमें यूज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड सर्किट्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट लोअर पावर लेवल। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने आज तक जो पढ़ा है उसमें हमने यही देखा है कि हम लोअर पावर लेवल्स पे काम करते हैं, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हम बहुत लोअर पावर लेवल्स पे काम करते हैं। 5 वोल्ट DC हो गया, मिली एम्पियर्स में करंट होता है। ठीक है, बट ये जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हाई पावर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड वर्ड फॉर द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंट्रोल। अब इसका जो काम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट इज टू कंट्रोल द क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम तब हम मानते हैं जब कोई आउटपुट से हम फीडबैक देते हैं वापस इनपुट को, ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके उस सर्किट को। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो क्लोज लूप सिस्टम है ये अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसमें फीडबैक सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस जो है ये कंट्रोल्ड डिवाइसेस बोलते हैं इसको, ये अपने आप पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी,
तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली हैज थ्री मेन टर्म्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। आगे चलते हैं, इसमें छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, जिसमें आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एक कमांड है, कमांड से हम कुछ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके आगे एक कंट्रोल यूनिट लगा है, डिजिटल सर्किट लगा है। दिस डिजिटल सर्किट इज बेसिकली सिंपल सर्किट, कैन बी अ पावर सप्लाई, कैन बी एनी एनी इनपुट सर्किट। उसके बाद हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने मेन पावर सोर्स दिया है। मेन पावर सोर्स मतलब जहाँ पे हाई पावर डील करेंगे, जिससे हम, और उस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बाद उसी जो सिग्नल को या जो हमें आउटपुट मिल रही है इस सर्किट के बाहर, वो हम लोड को दे रहे हैं, ठीक है। तो जो लोड है वो फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है टू द कंट्रोल यूनिट, और ये कंट्रोल यूनिट ही वापस उस पावर को, चाहे वो कम आ रही है चाहे वो ज्यादा आ रही है, अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट वो उसको सेट करेगा ये पूरा सर्किट, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट इज मेंट टू कंट्रोल द लोड, इट इज मेंट टू कंट्रोल द सिग्नल्स ऑफ हाई पावर डिवाइसेस, राइट। और इसमें ये सारी चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, डिजिटल सर्किट, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड फीडबैक सिग्नल, ठीक है। इसके बारे में दिया है, द मेन पावर सोर्स में भी आइदर एसी और डीसी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एसी पे काम करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या डीसी पे करेंगे, इट कैन यूज विद बोथ एसी एंड डीसी पावर सप्लाई, राइट। और इसमें जो फीडबैक कंपोनेंट है, इट मेजर द पैरामीटर ऑफ द लोड, वो लोड पे जो आउटपुट आ रही है वो उसको मैयर करेगा और उसको अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करेगा, ताकि उसको वापस कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इट कंपेयर्स इट विद द कमांड सिग्नल, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल। नेक्स्ट, द लोड सर्किट कैन बी कंट्रोल्ड ओवर अ वाइड रेंज विद द एडजस्टमेंट ऑफ द कमांड सिग्नल। अब कमांड सिग्नल या स्टैंडर्ड है जो, उसके अकॉर्डिंगली ये लोड को जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब आगे आने वाले जो चैप्टर्स है हमारे, ये उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो कौन कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो हमारे पास कुछ ऐसी सर्किट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि डायोड रेक्टिफायर, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, चॉपर्स जिसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर्स डीसी टू एसी कन्वर्टर्स होते हैं, एसी कन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर जो कि एसी टू एसी कन्वर्टर्स होते हैं, एंड लास्ट एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ये सारे काम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कर सकता है। द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर ऑल्सो कॉल्ड पावर कन्वर्टर्स, इसको हम पावर कन्वर्टर भी बोलते हैं, विच यूजेस सेमी कंडक्टर स्विचेस टू स्विच इलेक्ट्रिक पावर एट हाई एफिशिएंसी। स्विचेस यूज्ड आर डायोड्स, ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर। हमने डायोड ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, और वो हमने बेसिक डायोड्स और ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, बट इसमें हम जो पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, दैट इज पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर एंड थायरिस्टर। थायरिस्टर इज द बेस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में आगे अगले चैप्टर में शुरू करेंगे बात। क्या क्या काम कर सकते हैं इन कंपोनेंट से, डायोड रेक्टिफायर बना सकते हैं जो कि पावर डायोड रेक्टिफायर होगा, जो कि हाई पावर को हाई पावर से डील करेगा। रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्टर्स एसी इनपुट वोल्टेज इनटू फिक्स डीसी वोल्टेज, रेक्टिफायर का काम हमें पता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। दीज आर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, और ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं जो कि पावर डायोड रेक्टिफायर्स होते हैं। एंड इट दीज आर यूज इन बैटरी चार्जिंग, पावर सप्लाईज, यूपीएस सिस्टम्स, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट, इससे हम फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी बना सकते हैं, दीज आर ऑल्सो द रेक्टिफायर्स बट कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, ठीक है। इससे हम जो आउटपुट है दैट कैन बी अ वेरिएबल, ठीक है जी, वो फिक्स नहीं है, वो हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक। नेक्स्ट, चॉपर्स, चॉपर्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। डीसी टू डीसी मतलब हम फिक्स्ड डीसी इनपुट को वेरिएबल डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इन्वर्टर्स, हम हाई पावर डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, जिसको हम इन्वर्टर सर्किट बोलते हैं। तो सारे इन्वर्टर सर्किट जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बने होते हैं, ठीक है जी। इट कन्वर्ट्स अ फिक्स डीसी वोल्टेज टू द वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और फिक्स और वेरिएबल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, एसी कन्वर्टर जिसको हम साइक्लो कन्वर्टर भी बोलते हैं, इससे हम एसी टू एसी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस सर्किट कन्वर्ट इनपुट पावर एट वन फ्रिक्वेंसी टू आउटपुट पावर एट द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब एसी की हमें पता है एसी सप्लाई की एक फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इज नोन एज साइक्लो कन्वर्टर्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड द लास्ट मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज एसी वोल्टेज कंट्रोल।
जिसको हम एसी रेगुलेटर बोल सकते हैं, हम फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में विद द सेम फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, आगे डिस्कस करेंगे इसको ब्रीफली। नेक्स्ट है हमारा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ये सारे जो सर्किट बन रहे हैं इनके पीछे कौन से कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसको हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोलते हैं, एसएसडी, द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव डिफरेंट टाइप्स, आउट ऑफ विच एससीआर, एससीआर वर्ड आपने एक याद रखना है, हम बार बार इसको यूज करेंगे। एससीआर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे आने वाले कंपोनेंट्स। ठीक है, जो एससीआर है दैट वाज द फर्स्ट डिवाइस टू बी डेवलप्ड इन 1957। ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्ट यहाँ से ही होती है, एससीआर से। ठीक है, बाकी भी डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल हुए मार्केट में, बट सबसे पहले जो हुआ था दैट वाज एससीआर। उसके बाद 1970 में बाकी सारे डिवाइसेस जो है वो मार्केट में आने शुरू हो गए, अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन टेबल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो फाइव फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज पावर डायोड, देन थायरिस्टर्स, पावर ट्रांजिस्टर्स, पावर मॉसफेट्स एंड आईजीबीटीज। ठीक है, आगे हम थायरिस्टर जो है वो आगे आप देख सकते हैं कितने उसको कंपोनेंट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। ये सारे थायरिस्टर की रेंज है। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली है एससीआर, देन है जीटीओ, आरसीटी, GATT, LASCR, MCT, ट्रायक, डायक, ये सारे के सारे, UJT, ये सारे के सारे थायरिस्टर फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो ये आप एज इट इज इसको नोट कर लीजिए। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ नाम ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके इसको। ठीक है, आपने माइंड में सिर्फ एससीआर वर्ड याद रखना है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कहाँ कहाँ होती है, तो आपके सामने अब स्क्रीन में काफी सारी एप्लीकेशन दी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट द मेन एप्लीकेशन गिवन हियर, जैसे कि कोई हैवी इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना है तो हम यूज करते हैं इसको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को। कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ डीसी मोटर्स, डीसी मोटर, हाई डीसी मोटर, फॉर एग्जांपल 440 वोल्ट हो गया, या 1 किलो वोल्ट की डीसी मोटर है, कोई भी हाई पावर डीसी वोल्ट मोटर है, उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको फिक्स टू वेरिएबल डीसी बनाना है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करेंगे, जो कि नॉर्मल कंपोनेंट्स नहीं यूज कर सकते उसमें। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर्स में यूज कर सकते हैं इसको, हीट कंट्रोल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं, सैटेलाइट पावर सप्लाईज जो है वो इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है, इंडस्ट्रियल यूपीएस जितने भी यूज होते हैं जो कि हाई पावर से डील करते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वहां भी यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट पावर सप्लाईज में यूज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स, कन्वेयर्स, क्रेन्स, होस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड कार्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, ये सारे हाई पावर डिवाइसेज हैं। एचवीडीसी दैट स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम्स, वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स, फर्नेसेस, ग्राइंडर्स, लोकोमोटिव्स, मास ट्रांजिट, बैटरी चार्जर्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, रोलिंग, टेक्सटाइल एंड सीमेंट मिल्स, लाइट डिमर्स एंड फ्लैशर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज में हम ऑटोमेशन, बेसिकली हमारे माइंड में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इज मेंट फॉर द ऑटोमेशन नाउडेज। जहां भी, चाहे आप वो रेलवे देख लो, चाहे वो आप कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ मैकेनिकल देख लो आप, इलेक्ट्रिकल फील्ड देख लो आप, कोई भी फील्ड हो, कोई भी, हम वहां पे जो कंट्रोल कर रहे हैं वो नॉर्मल डिवाइसेस नहीं होते हैं, वो सारे पावर डिवाइसेस होते हैं और उसी को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। राइट, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो। आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, एडवांटेजेस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसके फायदे क्या हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं तभी यूज हो रहा है हर जगह। सबसे पहला जो हमें ये बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं वो है फास्ट डायनामिक रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टैटिक डिवाइसेस। अब एक चीज ध्यान में रखनी है हमने कि जो जितने भी हमारे पास ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होंगे ये सारे स्टैटिक डिवाइसेज हैं, मतलब देयर इज नो मूविंग पार्ट इन दैट, सो
दे आर हैविंग अ फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है. हाई एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ड्यू टू लो लॉसेज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में लॉसेज बहुत कम होते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वेरी गुड मटीरियल्स ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है. तो लॉसेस कम होने से हाई एफिशिएंसी होती है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, लाइट वेट ऑफ कंट्रोलर, जो ये कंपोनेंट्स होते हैं दे आर वेरी लाइट वेट एंड वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, ठीक है. हाई रिलायबिलिटी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सिस्टम, लेस नॉइस, मास प्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैज रिजल्टेड इन लोअर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर इक्विपमेंट. जितने ज्यादा ये प्रोडक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जैसे लाखों में इसकी प्रोडक्शन या मिलियंस और बिलियंस में इसकी प्रोडक्शन होती है, तो उतनी ही कॉस्ट कम हो जाती है इनके इक्विपमेंट्स की, ठीक है. हाई एक्यूरेसी होती है इनकी, इंक्रीज ऑपरेटिंग लाइफ एंड रिड्यूस मेंटेनेंस सिंस देर आर नो मूविंग पार्ट, इनकी जो लाइफ होती है इन कंपोनेंट्स की दैट आर वेरी हाई, दैट इज बेसिकली 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इनको कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो ये सारी एडवांटेजेस हैं, बट वी नो दैट कि हर चीज की डिसएडवांटेजेस भी होती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जनरेट्स हारमोनिक्स विच इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर लोड्स. अब ये जो डिवाइसेज हैं इसमें कुछ ऐसे हारमोनिक्स कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि या तो लोड को या सोर्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. वो हारमोनिक डिवाइसेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, हाँ उसको फिल्टर आउट किया जा सकता है बट कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है जी. नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ सम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इज वेरी लो, सो उसके लिए कुछ सर्किट एक्सटर्नल सर्किट्स लगाने पड़ते हैं, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड. पावर फैक्टर वैसे ही कम होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, राइट. तो उसको हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं विद द एक्सटर्नल सर्किट्स. फॉर वेरी सिंपल कन्वर्जन रिक्वायरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन में भी कॉस्टली. अब अगर हमने छोटा सा कोई डिवाइस या छोटी सी चीज को कंट्रोल करना है तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर सकते, दैट कैन बी कॉस्टली. उसके लिए हम नॉर्मल डायोड्स और ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो उसमें मतलब हम इसको यूज नहीं करेंगे. पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर हैव लो ओवरलोड कैपेसिटी. अब इसकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज ऑलरेडी वेरी लार्ज, चाहे वो करंट की हो, चाहे वो वोल्टेज की हो, चाहे वो पावर की हो, बहुत लार्ज होती है इसकी वो कैपेसिटी, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू. बट अगर इसको ओवरलोड कर दिया जाए तो वो कैपेसिटी इसके पास नहीं होती, ठीक है. अगर मान लो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू एनी 100 क्वांटिटी है, तो 100 से अगर हम उसको ओवरलोड कर देंगे तो ये खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. ये अपनी कैपेबिलिटी से काम नहीं कर सकता फुल एफिशिएंसी से. दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. एंड लास्ट वन इज रीजनरेशन ऑफ पावर इज डिफिकल्ट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सिस्टम. अब अगर मान लो कोई आउटपुट पे हमें गलत सिग्नल मिल गया या जो पावर है वो जितनी हमें डिजायर थी उतनी नहीं मिली, तो रीजनरेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द इन टर्म्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है. बिकॉज इट इज कम्प्लीट अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस. तो उसको काफी हम सर्किट में सर्किट से होके गुजरना पड़ता है, तो इसको रीजनरेट करना काफी कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है. तो दिस वॉज द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. सबसे पहले हमने बेस पढ़ना था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, तभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई इंक्वायरी हो आप कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.